नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं सीआरपीएफ व्यापम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जिनको सोल्व करने वाले हम न ले तो फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए चैनल को लाइक कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जिसकी शुरुआत करेंगे हम कुछ इंपोर्टेंट और खास एमसीक्यू के साथ में तो शेयर जरूर करिएगा ताकि मैक्सिमम uh, जो है uh, लोग हमसे कनेक्ट हो सके और इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा सके तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की सबसे पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों के सामने ये रहा क्वेश्चन है नर्स ऑन ए टेलीमेट्री यूनिट टीचेज ए स्टूडेंट नर्स द प्राइमरी वे कोरोनरी आर्टरीज रिसीव ब्लड फ्लो the nurse should emphasize that most of the blood flow to coronary artery is supplied during which of the following telemetry unit ke andar student ko teach kar rahe hain aur sawal ne pucha hai jo primary way hai coronary artery ka wo receive karti hai blood ka flow to jo coronary artery hai ये जो ब्लड का फ्लो रिसीव करती है वो किस समय ज्यादा होता है ना? है ना क्वेश्चन ने पूछा कि वो एम्पेसाइज करेंगे कि most of the blood flow to the coronary artery is supplied during which of the following कौन से समय कोरोनरी आर्टरी का मोस्ट ऑफ द ब्लड फ्लो या सप्लाई होता है इंस्पिरेशन डायस्टोल एक्सपीरेशन और सिस्टोल चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए फटाफट से अपना पुट करिएगा इंस्पिरेशन डायस्टोल एक्सपीरेशन और सिस्टोल मोस्ट ऑफ द ब्लड फ्लो टू कोरोनरी आर्टरी इज सप्लाइंग ड्यूरिंग विच टाइम इधर इंस्पिरेशन डायस्टोल एक्सपीरेशन या सिस्टोल देखिएगा एक बात क्लियर होनी चाहिए कोरोनरी आर्टरी मतलब हार्ट जब ब्लड पंप करेगा तभी ब्लड कोरोनरी आर्टरी में जाएगा तो इसका मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन ये दो तो हो ही नहीं सकते ये दोनों प्रोसेस तो रेस्पिरेशन से संबंधित है ए और सी जो है ये दोनों प्रोसेस किससे संबंधित है रेस्पिरेशन से तो इनका संबंध जो है वो ब्लड फ्लो से नहीं है ये ब्रीदिंग के पैटर्न होते हैं जो कभी भी ब्लड के फ्लो को अफेक्ट नहीं करते तो ए और सी तो वैसे ही कोटा हो गया अब दो वर्ड यहाँ पे बचे हुए सिस्टोल और डायस्टोल कोरोनरी आर्टरी जो है वो र, आ, आ, आ,

जो एग्जिबिट कर रहा है साइन एंड सिम्टम ऑफ सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज के साइन एंड सिम्टम मरीज शो कर रहा है कौन सा फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन रहेगा जब आप पेशेंट को केयर दे रहे हैं ऑप्शन है डिक्रीजिंग एंजाइटी एनहेंसिंग मायोकार्डियल ऑक्सीजनेशन एडमिनिस्ट्रेटिंग सब लिंग नाइट्रोग्लिंग और एजुकेटिंग द पेशेंट अबाउट हिज साइन एंड सिम्टम एक्शन आपको यहां पे पूछा है विच इज द करेक्ट वन सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज कौन सा साइन एंड सिम्टम जो है वहां पे मरीज एग्जिबिट करेगा साइन एंड सिम्टम ऑफ कॉर्नर आर्टरी डिजीज मरीज एग्जिबिट कर रहा है तो कौन सी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कौन सा एक्शन पहले रहेगा फटाफट से जॉब लिखिएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ये कुछ लोग नाइट्रोग्लिसरीन दे रहे हैं सब वेरी गुड कुछ लोग हाँ एजुकेशन कोई नहीं दे रहा है थैंक <laughs> गॉड कुछ लोग एंजाइटी कम कर रहे हैं कुछ लोग मायोकार्डियल में ऑक्सीजनेशन करवा रहे हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और प्रायरिटी एक्शन पूछा है देखिएगा एक यहाँ पे मैं एक मजेदार मतलब पोदीने वाली बात बता रहा हूँ है ना गांठ बांध लीजिएगा दिमाग में खुट्टी में टिंगवा दीजिएगा पौधी वाली बात क्या है सबसे पहले इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है जो डिजीज से संबंधित है कि साहब आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज आपके मरीज को है और उस मरीज के अंदर जो साइन सिम्टम है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के आपका पहला एक्शन क्या होगा तो आप डिजीज पे फोकस करिए कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती क्या है तो सब कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो होती है जो हार्ट है उसको जो ब्लड सप्लाई करने वाली एक आर्टरी होती है उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी और उस कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई क्या बन जाता है थ्रोम्बस बन जाता है और उसमें थ्रोम्बस बनता है तो क्या होता है आगे जो मायोकार्डियम होती है जो कि हार्ट की मसल है उसको ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है जब उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो पेन होता है यही साइन एंड सिम्टम आएगा कि मरीज को क्या हो रहा है चेस्ट पेन हो रहा है ये तो सिम्टम आ रहा है तो सबसे पहला तरीका क्या पहला तरीका ये है कि कारण का इलाज कर दो कारण क्या है ऑक्सीजिनेशन नहीं हो रही है इसलिए पेन हो रहा है तो क्या कर दो वो सारे तरीके यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एनहेंसिंग एनहेंसिंग मतलब वो सारे तरीके अप्लाई कर दो जिस सारे तरीकों से मायोकार्डियम को क्या होने लग जाए ऑक्सीजनेशन अब यहाँ पे आप एंजाइटी कम करोगे तो भी मायोकार्डियम ऑक्सीजनेशन होगा अगर आप नाइट्रोगरी तो भी मायोकार्डियम में ऑक्सीजनेशन होना शुरू हो जाएगा अगर आप ऑक्सीजन लगाएंगे तो भी मायोकार्डियम में ऑक्सीजनेशन होना शुरू अगर आप वहां पे मतलब ओपियोइड देते हैं मॉर्फिन देते हैं तो भी मायोकार्डियम में ऑक्सीजनेशन होने लग जाएगा है ना एक मोना मिनोमिक्स आप पड़ते हैं कि मॉर्फिन देंगे ऑक्सीजन देंगे नाइट्रोग देंगे एनजाइटी कम करेंगे ये सब चीजें एडमिनिस्टर करते हैं वन बाई वन तो इस तरीके के सारे तरीके क्या कर रहे हैं वो सारे ही तरीके मायोकार्डियम में क्या करवा रहे हैं ऑक्सीजनेशन तो अच्छा है। है? तरीके, तरीके बिल्कुल सही लागू तो आर्टरी है उसमें जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है जब भी सीएडी होती है सीएडी सिम्टम आते हैं हार्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है उसमें ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है

तो उसको निपटने से बचाना पहले तो उसकी जान बचानी है जान है तो जान है तो पहले उसको बचाना है इंपॉर्टेंट तो कंसेप्ट है याद रखिएगा गांठ बांध लीजिएगा यहां बिल्कुल सही पहचाना वेरी गुड बहुत अच्छे एक्सीलेंट बी इज द करेक्ट वन ए सी ओ डी खोटे जवाब है आगे लेके चलता हूं नेक्स्ट वन देखिएगा एक मरीज है जिसको एक्यूट अस्थमा हुआ है कितनी अच्छी बात है एक्यूट अस्थमा हुआ है है ना और सो so कर रहा है इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी वीज एंड ए डिक्रीज फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम एपीवी जो होता है फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम चेक किया जाता है एक सेकंड के अंदर फोर्सफुली जो है एक मशीन होता है पीएफआर पीक फ्लो मीटर पीक फ्लो एक पीक फ्लो आता है पीक फ्लो के द्वारा हम चेक करते हैं एपीवी फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम कितना है

कुछ इस तरीके का ये फ्लोमीटर होता है मरीज को डीपली इनहेल करके फोर्स से फूक मारने का बोलते हैं यहाँ पे एक गुंडी जैसी संरचना होती है और वो जो है वॉल्यूम की पीक रेट में मरीज कितना वॉल्यूम जो है एक्सपायर कर पा रहा है इसको पीक फ्लोमीटर कहते हैं इसमें फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम डिक्रीज है कम है नॉर्मल होना चाहिए उतना नहीं है जब उतना नहीं है तो सबसे अच्छी दवाई यहाँ पे क्या होगी पहला ऑप्शन है ब्रोंकोडाइलेटर दूसरा ऑप्शन है बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर तीसरा ऑप्शन है इनहेल्ड स्टीरोयड चौथा ऑप्शन है ओरल स्टीरोड ये है और वो सारे लोग फिजिशियन कभी कभी तो वो क्या कहेगा आपको आपको इंस्ट्रक्ट करेगा कि पहले इस मरीज को ले जाओ और इस मरीज को इस पीक फ्लो में क्या डाला जोर से एक्सपीरेशन करवाओ है ना उसका एपीवी वन देखो फॉर्स एक्सपीरेटरी वॉल्यूम देखो ये जितना 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 भी भी नंबर आता आता है, करो? करो. अस्तालिन अस्तालिन, that is, that is, is, है, मान लो आया आया, आया, या वो लीटर पर मिनट उतना िन से सालबूटामोल अस्तालीन में क्या दवाई आती है सालबूटामोल और सालबूटामोल किस कैटेगरी की दवाई है ब्रोंकोडायलेटर से, करते हैं. करने के बाद में से पीक मीटर में फूक मारते थ्री तो तो हंड्रेड से रिवर्सिबल प्रॉब्लम है तो यहाँ पे ब्रोंको डायलेटर सबसे अच्छी दवाई होती है उस कंडीशन में तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है मैक्सिमम लोगों ने ठीक से जवाब दिया और वैसे भी अस्थमा की ड्रग ऑफ चॉइस भी ब्रोंको डायलेटर होती है तो ये यहाँ पर ब्रोंको डायलेटर फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है

अगला क्वेश्चन 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 देखिएगा, कितना सुंदर 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 है 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 और इतना इतना कि ही कह रहा है, इतना मैं क्या मेजर कर रहे हैं आप क्या मेजर कर रहे हैं कौन सा मेजर आप काम में लेंगे क्या रिड्यूज या प्रिवेंट करना है आपको एटिलेक्टसिस पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के अंदर एटिलेक्टिस का इंसिडेंस आपको रिड्यूज करना है क्या मेजर सबसे अच्छा होगा चेस्ट फिजियोथेरेपी मैकेनिकल वेंटिलेशन रिड्यूसिंग ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इंसेंटिव स्पेट्री बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फटाफट से जवाब लिखिएगा चेस्ट फिजियोथेरेपी मैकेनिकल वेंटिलेशन रिड्यूसिंग ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट और इंसेंटिव स्पैरोट्री वेरी गुड वेरी गुड मैक्सिमम लोगों ने ठीक जवाब दिया है और ये ए जवाब जो दे रहे हैं ये खोटा जवाब है चेस्ट फिजियोथेरेपी खोटा जवाब है जरूर हेल्प करता है सिक्रीशन मोबिलाइजेशन में लेकिन ये कभी भी को प्रिवेंट नहीं, कर सकता। चेस्ट नहीं कर पाएगा बिल्कुल डी करेक्ट आंसर है मैक्सिमम लोगों ने ठीक जवाब दिया इंसेंटिव स्पाइरोमीट्री जो तीन बोल वाला स्पाइरो होता है आपने हॉस्पिटल सेटअप में देखा होगा उसकी रिक्वायरमेंट होती है पेशेंट में आ, करने के लिए में लेते हैं और डी ब्रेथ लेके करते हैं ये प्रमोट करता के को, और अगर रहेंगे, तो नहीं तो बिल्कुल है के, करके, करके, करेंगे, तो लंग एक्सपांड होंगे लंग एक्सपांड होंगे तो ऑक्सीजनेशन की रिक्वायरमेंट जो है लंग एक्सपांशन से मिनिमाइज हो जाएगी मैकेनिकल वेंटिलेशन जो है वो एटिलेक्ट्रेसिस को प्रिवेंट करने का तरीका नहीं है मैकेनिकल वेंटिलेशन पे मरीज को तब रखते हैं जब मरीज में बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट का ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है वो कम हो गई और की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है तब और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करके आप प्रिवेंट नहीं कर सकते तो ए बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इंसेंटिव स्पायरोट्री एकमात्र तरीका है जिसमें डी ब्रेथ लेने से पेशेंट के लंग जो है वो क्या हो जाते हैं एक्सपांड और एक्सपांशन होने की वजह से उसमें आ,

और उसमें वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया विच एक्शन फर्स्ट मतलब वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन फिब्रिलेशन अगर किसी VF, फिब्रिलेशन अगर किसी किसी मरीज मरीज को को हो हो गया, जाता है, तो सबसे पहला नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा अगर किसी मरीज को वीएफ हो गया तो फर्स्ट ऑप्शन है एडमिनिस्टर वन मिलीग्राम ऑफ एपीप्रीन आईवी दूसरा ऑप्शन है कंटिन्यू करेंगे सीपीआर और चौथा है एडमिनिस्टर करेंगे उप आईवी वीएफ का है, है वी वी का है ना हार्ट का नॉर्मल रिदम जब अबनॉर्मल हो जाता है तो उस नॉर्मल रिदम के अबनॉर्मल होने पे उसको वापस नॉर्मल करने के लिए डीफिब्रिलेट करना ही पहली प्रायोरिटी होता है तो करेक्ट आंसर बिल्कुल बी रहेगा यहां पे ट करेंगे मरीज को मोनोफेजिक मरीज को सबसे पहले डिफ्यट ही करते हैं और 360 से हम कंटिन्यू करेंगे सीपीआर है ना? तो करेंगे CPR, ना अगर ये फेल हो जाता है एक्शन डिफ्यूबलेट वाला तो फिर कंटिन्यू करेंगे सीपीआर लेकिन पहले क्या करना है जब भी मरीज ये प्रॉब्लम में चला गया तो उसको क्या करेंगे डिफ्यट

है ना जो भी मरीज को वीएफ हो जाए अरेस्ट हो गया गया आपने शुरू कर दिया मरीज मरीज चला गया, तो उस मरीज को डिफिब्रिलेट करो फिर वापस रीअसेस करो अगर सही नहीं हुआ तो एक पांच साइकिल का सीपीआर फिर दो फिर और डिफिब्रिलेट करो मरीज को एक ऑप्शन में एपिनेप्रिन और एक ऑप्शन में वेसोप्रेसिन दो दवाइयों के यहाँ पे नाम लिखे गए हैं ये दिए जा सकते हैं लेकिन दो बार दो डिफ्यट करने के बाद में मतलब एक डिफिबलेट किया सीपीआर कंटिन्यू किया पांच साइकिल पे फिर दोबारा डिफ्यट किया फिर भी मरीज ठीक नहीं हुआ तो उसके बाद में नंबर लगता है और का तो दो डिफिबन के बाद में है ना दो के बाद में और का में ले सकते हैं तो इस तरह से ये प्रूव करता है कि ए सी ओ डी इस क्वेश्चन में खोटे जवाब है पहली प्रायोरिटी हमेशा क्या रहेगी डिफ्यट करेंगे मोनोफेजिक डिफ्यटर से आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा क्या मैं समझाना चाहता हूं वी हुआ, पहले ट करो फिर सीपीआर कंटिन्यू करो पांच साइकिल से करके करो फिर नहीं फिर और काम में ले अगर आपको ये कंसेप्ट दिमाग में आ रहा है तो बोले यस और फटाफट से लिंक को शेयर करें मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच करें आप ही तरह के कई ऐसे लोग हैं जिनको इस तरीके के कंटेंट की नीड है लेकिन वो अभी तक वाकिफ नहीं है अपने चैनल से मैं अकेला हूं आप मेरे मददगार बनेंगे और हम उन सब लोगों तक अप्रोच करेंगे जिनको इस तरीके का कंटेंट चाहिए ताकि मैक्सिमम लोगों का भविष्य बना सके देखिएगा कई सारे जिंदगी में कई सारी चीजें होती है वो जो सिर्फ हम खुद के लिए करते हैं लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें दूसरों के लिए करनी होती है ताकि जब हम उस परम पिता परमेश्वर के पास में जाए तो उसकी आंख में आंख आंकड़ा बोल सके कि हाँ मैं ये करके आया हूँ और इन चीजों के लिए जो भी त्याग करना पड़े लाइफ में त्याग दीजिए और कुछ लोगों के लिए कुछ बेहतरीन करने के लिए बेहतरीन सोच के साथ में आगे बढ़िए और अपने आप तक चीजों को लिमिट ना करते हुए मैक्मम लोगों तक अप्रोच कराइए ये मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है अगर आप इसमें मदद करना चाहते हैं मेरी थोड़ी सी भी मदद करना चाहते हैं तो बिल्कुल लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचाने में मदद करें ताकि किसी एक इंसान का अगर भविष्य हम बना देते हैं

वो रोने ही वाला है। फटाफट से जवाब लिखिएगा एंजाइना लोअर बैक पेन ए जवाब लिखा है जो कि बिल्कुल खोटा जवाब है Abdominal pain जो होता है, वो मोस्ट कॉमन सिम्टम है जब सर्कुलेशन इंपेयर्ड हो जाता है जब सप्लाई नहीं होती है ब्लड uh, uh, की है ना तो उस कंडीशन के अंदर एब्डोमिनल पेन होता है जब एओर्टिक एन्यूरिज्म जो होता है उसके कारण जब सप्लाई रुक जाती है तब एब्डोमिनल पेन होता है तो, तो यहां पे खोटा जवाब है ये नहीं हो सकता तो ये तो खोटा है चेंज करिएगा फिर क्या हो सकता है फिर एबडोम एरिया में आगे की तरफ दर्द नहीं तो पीछे की तरफ दर्द बिल्कुल डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है लोअर बैक पेन लोअर बैक पेन जो होता है वो एन्यूरिज्म के एक्सपांशन होने की वजह से होता है

लेग के अंदर ये ज्यादातर देखने को मिलता है पेरिफेरल आर्टीरियल ओक्लूजिव डिजीज है ना पेरिफेरल डिजीज होती है या पेरिफेरल पेरिफिरल डिजीज होती है उसमें पेरिफेरल पल्स एब्सेंट होती है है और एंजाइना जो होता है वो कोरोनरी आर्टरी वाली बीमारी से संबंधित है जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है है ना जब एथेरोस्क्लेरोसिस होता है तो एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण जहां वहां हार्ट में ब्लड की सप्लाई नहीं होती है और उसकी वजह से चेस्ट पेन होता है उस चेस्ट पेन के लिए वर्ड काम में लेते हैं एंजाइना तो ए बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है ये जवाब बन नहीं सकते डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है लोअर बैक पेन वेरी गुड बहुत ही अच्छे बहुत ही शानदार आगे लेके चलता हूं नेक्स्ट देखिएगा ड्यूरिंग डिस्चार्ज टीचिंग विच इंस्ट्रक्शन शुड नर्स गिव टू द पेशेंट डाइग्नोस विद पेनकेटिस एक मरीज है जिसको पेनकेराटाइटिस हुआ है डायग्नोस और उस मरीज को क्या डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन टीचिंग और इंस्ट्रक्शन देंगे आप एज ए नर्स मरीज को क्या डायग्नोस हुआ है पेनकेराटाइटिस क्या डिस्चार्ज टीचिंग या इंस्ट्रक्शन उस मरीज को आप देंगे फर्स्ट ऑप्शन क्या डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन देंगे आप मरीज को जो सफर कर रहा है एक्यूट पेनकेराटाइटिस से फटाफट से जवाब लिखिएगा मरीज है क्या कहेंगे उसको हाई फैट मील कंज्यूम करने का कहेंगे लो कैलोरी मील का कहेंगे डेली अल्कोहल इंटेक लिमिटेशन का कहेंगे या फूड बेवरेजेज एंड जिसमें कैफीन होता है उसको अवॉइड करने का कहेंगे बहुत बढ़िया कुछ लोगों ने ठीक से पहचाना है कुछ लोगों के जॉब खोटे भी है देखिएगा पेनक्रियाज ग्लैंड जो है उस मरीज को पेनक्रेटाइटिस हुआ था और अब डिस्चार्ज कर रहे हैं तो पेनक्रेटाइटिस लगभग जो है वहां पे सबलिमिस हो गई है ना सिम्टम जो है वो सबलिमिशन हो गया अब अगर कोई को ऐसे सब्सटेंस देंगे जो वापस स्टिमुलेशन का काम करेगा तो मरीज जो है उसका बीमारी रिलैप्स हो जाएगा तो अगर मरीज को हम उसमें फूड एंड बेवरेजेस देते हैं जिसमें कैफीन होता है तो कैफीन स्टिमुलेशन का काम करेगा और ये बीमारी को क्या कर देगा रिलैप्स कर देगा एक्यूट एकटाइटिस वाली बीमारी को क्या कर देगा रिलैप्स करेगा तो अगर रिलैप्सिंग रोकना चाहते हो तो यू हैव टू तो अवॉइड कैफीन कंटेनिंग फूड डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है

कुछ मरीज होते हैं एल्कोहल थोड़ा थोड़ा थोड़ा, थोड़ा 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 नहीं बिल्कुल बंद सट डाउन जीरो लॉकडाउन कर दो एल्कोहल का तो ये का लॉकडाउन करना होता है में लिमिट नहीं उसको बंद करना होता है क्रॉनिक एल्कोहल वाले जो मरीज होते हैं वो वही कारण होता है पेनकेटाइटिस का मतलब जो लंबे समय से एल्कोहल लेते हैं उसी के पेनकेटाइटिस होता है तो इसको तो बंद करना है और डाइट जो होती है मरीज की वो लो फैट और हाई कैलोरी डाइट देनी होती है उल्टा लिखा हुआ है हाई फैट और लो कैलोरी इसलिए दोनों ही खोटे आपको फैट फैट नहीं, फैट तो क्या करनी है लो, और और कैलोरी क्या करनी है हाई, जवाब उल्टा। उल्टा तो मतलब तो बन गया सही जवाब बन गया समझ पा रहे हो ना वेरी गुड ए बी और सी तीनों खोटे जवाब है।, है ना और डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कंसेप्ट क्रिएट करिएगा पेनकेटाइटिस बीमारी बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है हम जब थोरटिकल पोर्सन आगे पढ़ना शुरू करेंगे तब हम इन सभी बीमारियों को डिटेल से पढ़ेंगे तो आपके और कंसेप्ट ज्यादा अच्छे होंगे ना इन्फ्लाशन ऑफ पेरिटोनियम विच एस्पेक्ट ऑफ द नर्सिंग केयर टेक प्रायरिटी पेरिटोनाइटिस मरीज में कौन सा एस्पेक्ट नर्सिंग केयर का प्रायोरिटी के ऊपर रहेगा बीमारी है पेरिटोनाइटिस

फटाफट से जवाब लिखिएगा शॉक और सर्कुलेटरी फेलियर वेरी गुड बहुत अच्छे सबसे पहला तरीका है फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट को क्या करो बैलेंस करो ताकि मरीज जो है वो क्या हो सके स्टेबल ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है सबसे पहला एक्शन ये फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट को क्या करो बैलेंस ताकि मरीज हिमोडायमिकली क्या हो सके स्टेबल अगर मरीज हिमोडायमिकली स्टेबल होगा तो डेफिनेटली मरीज जो है उसमें जो पेरिटोनाइटिस है उसकी कॉम्प्लिकेशन जो है शॉक और सर्कुलेटरी फेलियर उसको हम मैनेज कर पाएंगे पेशेंट जो है वो उसमें जरूरत रहती है गैस्ट्रिक इरिगेशन की लेकिन ये प्रायोरिटी एक्शन नहीं है इरिगेशन कंटिन्यू हम करते हैं करते हैं ताकि जो ट्यूब है वो पैटर्न रहे पैन का मैनेजमेंट हम जरूर करते हैं मरीज में और साइकोसोशियल केयर भी हम देते हैं मरीज को ताकि उसकी जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो लिमिट रहे और पेन मैनेजमेंट करने से मरीज जो है उसको कंफर्टनेस आए तो ये तीनों चीजें करते हैं पर इन चारों ऑप्शन में ये ये एक्शन नहीं नहीं है मतलब अगर भी करेंगे तो जान नहीं जाएगी और अगर वही तो 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 है। है तो तो होता है जो सांस को बचाए जान बचाए जहान बचाए, बचाए जिंदा रहेंगे तो कुछ करेंगे है ना? तो यहां पे सबसे अच्छा आंसर क्या रहेगा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ये कुछ इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े होप्स आएगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। इसके अलावा एक काम करें। मैं पहले ही बता चुका हूं आपकी मॉरल ड्यूटी है भगवान कृष्ण भी यहां धरती पे आके कह के गए थे कि सारथी बने स्वार्थी ना बने सारथीपन दिखाए मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच कराएं और आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद से आज हमारा चैनल जो है वो ट्वेंटी के क्रॉस कर चुका है ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी है ट्वेंटी के पीपल तक हम अप्रोच कर चुके हैं और अगले एक महीने में ये ट्वेंटी फोर्टी में 40, 80 में और 80, 120, 160 में कन्वर्ट होना चाहिए ये आप ही लोगों की अप्रोच रहेगी आप ही लोगों की मदद रहेगी आप ही लोगों का चैनल है और आप सब लोग मिलकर ये करेंगे मेहनत में हम कमी नहीं रखेंगे और एक दिन हम उन सब लोगों तक इस तरीके का कंटेंट पहुंचा देंगे जिनको इस तरीके के कंटेंट की नीड है ताकि एक बेहतरीन भविष्य हर घर के अंदर बन सके इसी दुआ के साथ में चलते हैं आज के लिए इतना ही मिलेंगे सुबह दोबारा एक नई एनर्जी एक नए विश्वास के साथ में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत